हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर, आलू टिक्की बर्गर। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं आलू, हमने बॉईल कर लिया था, उसमें हम सारे मसाले डालेंगे, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और हमने यहाँ डाला है चावलों का आटा। चावल को अच्छे से पीस के हमने उसका आटा घर पे ही बना लिया था। ब्रेड एक्चुअली हमारे पास थी नहीं, तो हमने पाव, हमारे पास लेफ़्ट ओवर पाव बचे हुए थे, तो हमने उसका यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने उसका एक डो बना लिया और बीच में हमने इसमें चने की दाल की स्टफिंग करी है। तो इसकी स्टफिंग बहुत ही टेस्टी होती है, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है बिल्कुल। इसको हम आलू टिक्की मतलब हम आराम से इसको टिक्की के भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको मीडियम आंच पे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, दोनों तरफ बिल्कुल क्रिस्पी होने तक पकाया है। जले नहीं है बिल्कुल भी, क्रिस्पी हो गए थे बिल्कुल ही। और बड़ी बड़ी टिक्कियाँ जैसे जितनी बर्गर में आ जाए, हमने उतना ही उसका बड़ा बड़ा बनाया है। और उसके बाद अब हम अपनी प्रिपेयर कर लेते हैं बन की। वो यहाँ पे हमने डाल दी है चटनी, ये चटनी मैंने घर पे ही बनाई थी। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, दूसरी तरफ हम दूसरे वाले उस पर साइड में हम लगा लेंगे सॉस, सॉस को भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी टिक्कियाँ डालेंगे। टिक्कियाँ ये देखो पूरी की पूरी अच्छे से कवर हो रखी हैं, मतलब पूरी की पूरी बर्गर के अंदर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम खाली खाली बन खाएंगे। फिर हम डाल लेते हैं मेयोनीज़, मेयोनीज़ को भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालें तो ठीक है, नहीं डालें तो ज़रूरी नहीं है। इसमें हमने प्याज डाल दिया है, प्याज के बाद हमने इसमें चीज़ रख दिया है। चीज़ की जगह आप पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ की स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और अब हमने इसको अच्छे से बंद कर दिया है। दूसरी वाली साइड से इसको बंद करके हमने इसमें टूथपिक डाल दिया। तो ये हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।